रोशी, मैं जानता हूं मैं आज तक तुम्हें ऐसा कोई सुख नहीं दे सका जिसकी तुम उम्मीद करती थी मुझसे। नौशी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। बहुत से वादे किए थे तुमसे पर एक वादा भी नहीं निभा सका। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपको पता है इंसान सबसे ज्यादा कब टूट जाते? जब उसके दिल में एक वहम ही सही पर एक उम्मीद, एक गुमान होता है कि अगर वो बिखर गया तो कोई है जो उसे संभाल ले। लेकिन हकीकत तो तब सामने आती है जब इंसान बिखर जाता है और उसे कोई समेटने वाला नहीं होता। इसी गुमान, इसी नखरे के साथ मैं भी बिखर गई थी। क्या आप मुझे समेट लेंगे अपनी बाहों में? सबको ये लगता है कि नौशी तो बस जेवर और पैसों की गुलाम है। जो मेरा दिल है ना, सिर्फ मोहब्बत मांगता है, सिर्फ मोहब्बत। किसी के कहने पे यहां नहीं आई हूं, सिर्फ इस उम्मीद के साथ आई हूं कि अब शायद अगर मैं बिखर गई तो आप मुझे संभाल। ये बात मुझे दिलकश ने समझाई। रिश्तों को तोड़ना तो बहुत आसान होता है लेकिन उन टूटे रिश्तों के बाद खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है। उसने मुझे समझाया कि मोहब्बत में आजमाइश होती है और अगर इस आजमाइश में आप पूरे उतर जाओ तो वही सच्ची मोहब्बत होती है। मैं भी यही सोचकर आई कि शायद ये मेरी मोहब्बत में आजमाइश थी। नौशी, नौशी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मुजरिम। मैं वादा करता हूं अब तुमसे, एक आखिरी वादा, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा और तुम्हें कभी बिखरने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम अभी तक जाग रही हो? सोई नहीं? समय बस थोड़ी देर में आते होंगे अपा, मेरी उनसे फोन पे बात हो गई। तुम जा रही हो क्या? जा तो मैं कब की चुकी अपा, अब तो बस कभी कभी आती। सही कहा, तुम इतने दिन यहाँ रही कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो जा चुकी हो। जो आदत छूट चुकी थी फिर से पड़ गई। ये आदतें भी कितनी अजीब होती है ना अब्बा, कभी किसी के पास होने की आदत होती है, कभी किसी के ना होने की। अब डर लगता है मुझे कि पता नहीं इतने दिनों बाद समर को मेरी आदत रही होगी या नहीं। नहीं बेटा, अच्छे इंसानों की आदत आदत नहीं रहती, सोबत बन जाती है और फिर इंसान को उसी सोबत में सुकून मिलता है, कहीं और नहीं। ये तो इंसान पे मुनसिर है ना अब्बा, जो उसे किस सोबत में सुकून मिलता है। क्या बात है बेटा, तुम्हारी मायूसी तुम्हारे चेहरे से दिखाई दे रही है।
माँ सब ठीक तो है ना? पता नहीं अब्बा, अनजाना सा खौफ, कहीं मैं फर्ज निभाने में अपनी मोहब्बत तो कुर्बान नहीं कर बैठी। बेटा क्या बात है, खुलकर बताओ। यही तो पता नहीं अब्बा, इतनी देर क्यों हो गई समझ? कहाँ हो तुम? रात का एक बज चुका है, कब तक घर आओगे? अम्मा मुझे कुछ काम है, देर हो जाएगी, शायद आते आते सुबह हो जाए। क्यों, कहाँ हो तुम? जी वो एक दोस्त का जरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसके साथ हॉस्पिटल में। नहीं नहीं परेशानी वाली कोई बात नहीं है, पर यहाँ थोड़ा वक्त लगेगा। मैं दिलकश से खुद ही बात कर लूंगा, उसे कुछ बताएगा नहीं। लेकिन बेटा दिलकश को बता दो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। जी जी परेशान मत, अल्लाह दिलकश, तुम अभी तक जाग रही हो, क्या सोच रही हो? समर अभी तक नहीं आया और अब तो उनका फोन भी बंद जा रहा है। बेटा सो जाओ, समर अब नहीं आएगा, रात बहुत हो चुकी है, सवेरे मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। अभी सो जाओ, जाओ। चलें थोड़ा सा और खा लें। अरे नहीं बेटा, बस मैंने खा लिया, बहुत है, बस अब तुम ये रखो इसे। दिलकश बेटा, कल तुम तैयार बैठी थी ना, तो समर नहीं आया तुम्हें लेने के लिए? समर को ज़रूरी काम की वजह से ऑफिस में रुकना पड़ा, रात को उन्होंने मुझे फ़ोन पे बता दिया था। इनाम जी, बेटा बहन को अपने घर छोड़ाओ। दिलकश तुम रुक नहीं रही, इतनी जल्दी जा रही हो? अरे नहीं बेटा, पहले ही दो दिन से यहाँ पर है, 100 काम होंगे घर पे, जिम्मेदारी है उसके ऊपर। मैं भी यही कह रहा हूँ कि दिलकश बेटा कुछ दिन और रुक जाती, लेकिन दिलकश तो अब रुकती ही नहीं है। अब्बा जरूर रुकूंगी, अगली बार आऊंगी ना तो ज्यादा दिनों के लिए रुक जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे इजाजत दे। चलो ठीक है, फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें जाते हुए छोड़ दूंगा। ठीक है, जो अपनी तैयारी। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। आ गई मेरी बच्ची, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र है तुम लौट आई। घर की बहू के बगैर तो घर घर नहीं लगता, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। बताओ नाश्ता करोगी? सब बाद में, ये बताएं समर उठ गए? बेटा समर तो रात से घर ही नहीं आया। घर नहीं आए? हाँ मेरी बात हुई थी, कह रहा था अम्मी ऑफिस में जरा काम ज्यादा है इसलिए रात को नहीं आऊंगा, तुम्हें बताने से मना किया था इसलिए कि तुम कहीं परेशान ना हो जाओ। समर भी ना, अभी तक समझ ही नहीं सके मुझे कि उनके आने की खबर नहीं मिलेगी तो मैं परेशान हो जाऊंगी। अब तो जिंदगी भर का साथ है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगा।
तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। और बताओ नाश्ता क्या करोगी? आप चले, मैं आती हूँ आपके साथ किचन में। अच्छा समर आ गया। दिलकाश, तुम्हारे आते ही समर आ गया। ये क्या है समर? ये क्या है समर? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं कि ये क्या है? कल रात मैंने मायरा से निकाह कर लिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? यही सच है। दिलकश, तुम यहां क्या कर रही हो? दिलकश क्या कर रही है यहां पे? तुम यहां पे क्या कर रही हो? दिलकश इस घर की बहू है, दफा हो जाओ यहां से तुम। मायरा, बात सुनो मेरी। मायरा मेरी बात सुनो। हंसा लगा मुझे। मायरा मेरी बात सुनो। मैं मुझसे मेरा नाना पुकार गिन आती है तुमसे, तुम्हारे वजूद से, तुम्हारी आवाज से। मोहब्बत में शेख नहीं होता, ये भी भूल गए थे। जानता हूं दिलकश से शादी करने की वजह ये नहीं थी कि मैं उससे मोहब्बत करता था। तो क्या हुआ? मोहब्बत की तो क्या हुआ? बीवी तो है ना तुम्हारी? समर, तो मेरी उठाई तकलीफ और अजियतों का समर हो। मैं तुम्हारा बंटवारा किसी के साथ नहीं कर सकती। अभी और इसी वक्त उसको तलाक दो। अभी और इसी वक्त। ये मैं नहीं कह सकता मायरा, मैं दिलकश को तलाक नहीं दे सकता। क्यों? हाँ? क्यों? क्यों नहीं दे सकते उसको तलाक? ऐसा क्या दिखा उसमें? हाँ, ऐसा क्या है उसमें जो तुमने उसको मेरे बराबर लाके खड़ा कर दिए? मायरा तुम्हारी यही प्रॉब्लम थी, मेरी किसी मजबूरी को, किसी परेशानी को तुम कभी समझने को तैयार ही नहीं। मैंने मजबूरी में की शादी। में क्यों डरे हो तुम? तुम्हारे लिए मैंने, तुम्हारी मोहब्बत के लिए कितनी बदनामियां सही, कितनी तकलीफें झेली मैंने। और तुम भी यहां पे इसके साथ रंग रलिया बना रहे थे। तो पता है क्या, तुम्हें ऐसे ही माशरे से ठुकराई हुई लड़की ही मिलनी चाहिए। मैं जा रही हूं यहां से, और अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मायरा रुको।
मायरा। रुक जाओ समर, इसके पीछे मत जाना, जाने दो इस नागिन को। काश मैं इस बात को आप लोगों से कुछ और दिन छुपा पाता, पर मजबूर था मैं। आप भी अब छोड़ दीजिए, इतना नाराज मत हो। ये सब करना ही था तो दिलकश की जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? तुमने दिलकश का ही नहीं मेरा भी दिल दुखाया। उस लड़की और उसकी माँ के सामने तुमने अपनी माँ को नीचा दिखाया। देखिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है, ना ही आपको नीचे दिखाया है, ना ही मैं दिलकश से उसका कोई हक छीन रहा। देखिए मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं किसी के साथ हक तल्फी नहीं होने दूंगा। दिलकश तुम तो सब जानती थी, तुमसे तो कुछ नहीं छुपाया मैंने, तो इनको बताती क्यों नहीं? दिलकश को भी पता था, बहुत कोशिश की मैंने, पर मैं मायरा को नहीं भूल पाया। और उसके साथ जो सब कुछ हुआ आप लोगों को पता है, और वो भी नहीं भूल पाई मुझे। इससे यही साबित होता है ना कि एक ना एक दिन तो ये होना ही था। समर तुम इतने बेरहम हो जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। औरत सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसका क्या कसूर है? इतने लोगों के सामने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर तुमने इसे बीवी कबूल किया था, सब भूल गए? मैं कुछ नहीं भूला हूँ, भूल गए मुझे सब याद है। और मैं कब इसको तलाक दे रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, जिंदगी में हो क्या रहा है, मैं खुद पछता रहा हूँ, ये भी क्यों कर लिया मैंने। तुम होश में तो हो क्या बक रहे हो? मैं होश में हूँ, और मैं होश में रहूं इसके लिए बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। आप लोग जरा समझे अभी क्या हो रहा है। दिलकश तुम एक काम करो, तुम कुछ कुछ दिनों के लिए अपने घर इसको इसके घर ले जाओ। अरे वहां आराम से रहेगी, यहाँ सब सेट हो जाएगा, मेरा दिमाग सेट हो जाएगा, मैं इसे खुद जाके लेके आऊंगा कसम से। अभी खुदा का वास्ता है समझे यहाँ। अरे मैं एक दिन के लिए शहर से क्या बाहर गया, तुम लोगों ने अपनी मनमानी कर ली, अब अंजाम देख लिया उसका। मैं तो आजिज आ गया हूँ इस औलाद से। मैं तो उसे बहुत समझाती रही लेकिन वो तो जिद लेके बैठी हुई है कि जब तक ये दिलकश को तलाक नहीं दे देते वो यहाँ से नहीं जाएगी। राणा साहब मैं दो बीवियाँ अफोर्ड कर सकता, आप लोग प्लीज मायरा से बात कीजिए। मायरा जिद करके बैठी हुई है, जब तक तुम दिलकश को तलाक नहीं दोगे वो यहाँ से नहीं जाएगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता, और ये बात मायरा को भी अच्छी तरह समझा चुका हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। बात सुनो, तुम दोनों माँ बेटी मिलकर क्यों जहन्नुम में अपना घर बना रही हो? क्यों एक मासूम की जिंदगी तबाह करने पे तुली हुई? समर बेटा इनकी बातों में मत आना, हर किस्मत आना। देखिए आप प्लीज मायरा को समझाएं, उसे कहें जो हो गया उसे भूल जाए और मेरे साथ चले, मैं लेने आया हूँ उसे। यही बात अगर मैं तुमसे कहूँ तो तुम भी पुरानी बातों को भूल जाओ और मायरा के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो तो? आप एक काम कीजिए, आखिरी बार मायरा से हो सके तो पूछ लें, चलना है साथ तो आ जाए, नहीं तो। ठीक है। अब सुनो, मैं मायरा से बात करूँ, तुम चलो। बेटा जो भी कुछ करना सोच समझ कर करना, ठीक है? चला गया वो? नहीं, बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
को बोले कि अपना रास्ता बदल दे, नहीं तो मेरे रास्ते में ना है वो। तुम जिस रास्ते पे चल रही हो उसकी मंजिल का पता है तुम्हें? मुझे कोई परवाह नहीं है। तो परवाह करो, खुशियां किसी और की झोली में डाल के तो कोई वली ही खुश होगा। तुमने कहीं ये राज चुन के तुम अपने समर को दिलकश के हाथों सौंप तो नहीं रहे, जिसके लिए तुमने इतना बसा बसाया घर छोड़ा, इतनी तकलीफें और अजियतें उठाई, तुम समर को यूं ही हाथों से जाने दोगी? ना, मैं अपने समर को किसी के साथ बांट नहीं सकती। तो छीन लो उसे, जो तुम्हारा है उसे छीन कर भी हासिल करना पड़े तो कर गुजरो। दुनिया क्या बातें करती है उसकी परवाह ना करो। देखो आखिर में जीत तुम्हारी होगी। इंतजार की घड़ियां बहुत तकलीफ दे होती है मायरा, कहीं ऐसा ना हो कि ये इंतजार दोबारा तुम्हारे नसीब में लिख दिया जाए। उठो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, जो मैं कह रही हूँ वो मानो। मेरी बात समझ रही हो ना? ऐसे रूठने से काम बनते नहीं, बिगड़ जाते। चलो आओ, समर के साथ जाओ, उससे अपनी बातें मनवाओ। तुम्हारी बात को टालेगा नहीं, जरूर मानेगा, मोहब्बत करता है तुमसे। चलो घर चले। मैं अच्छी तरह जानती हूं समर हमारे फैसले के खिलाफ कभी नहीं जा सकता। ये सब कुछ किया धरा उस पिछल पैरी का है, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं उस लड़की को इस घर में कदम तक नहीं रखने दूंगी। रश्मा ये बात मत भूलो कि मायरा समर की बीवी है, उसका भी इस घर पे इतना ही हक है जितना कि दिलकश का। हम उसे इस घर से बेदखल कैसे कर सकते हैं? अच्छा मैं भी तो जानू, मुझे भी तो बताइए। रात के अंधेरे में किए गए निकाह को मैं कभी नहीं मान सकती, समझ रहे हैं आप? उफ़ खुदाया, ये सब क्या है? समर तुम्हें अंदाजा भी है तुम ये क्या कर रहे हो? जी पता है, और आप भी मेरी बात जरा इत्मीनान से सुन लीजिए। देखिए अब मायरा भी इस घर की बहू है, शादी की है उससे मैंने। जितना हक दिलकश का मुझ पे और इस घर पे बनता है उतना ही मायरा का भी बनता है। आप उसे एक मौका देके देखिए, उसने भी कहा है मुझे और मुझे भी यकीन है कि वो आपको दिलकश इतनी अच्छी बहू बन के दिखाए। बस समर बस, इसके आगे एक लफ्ज मत बोल। इस घर की बहू सिर्फ दिलकश है और दिलकश ही रहेगी। ये लड़की दिलकश की बराबरी करने चली, ये उसकी बराबरी ना कभी कर सकती थी ना कभी कर सकती है, ये इस काबिल ही नहीं है। अभी तो तुम्हारी आंखों पर इसके इश्क की पट्टी बंधी हुई है ना बेटा, जब ये पट्टी उतरेगी तो दिलकश में और इसमें जो फर्क है तुम्हें साफ दिखाई देगा, बता रही हूं तुम्हें। ये सब तो नहीं, दिलकश ने इस घर में सबका दिल जीता। नजमा ने इस घर में दिलकश को बहू नहीं बेटी का मर्तबा दिया, इसलिए उसके खिलाफ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए तुम लोग दिल छोटा मत करो, तुम लोग भी थोड़ा सब्र से काम लो बेटा, क्योंकि नजमा दिलकश से बहुत मोहब्बत करती है। तुम्हें भी नजमा का दिल जीतना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाए। समर तुम मायरा को दूसरे कमरे में लेके जाओ।
सुन, इस रूम में मैं तुम्हारे हिसाब से चेंजेस करवा दूंगा, बस आज रात थोड़ा एडजस्ट कर लो। मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे नाम की, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। तुम थक गई होगी, एक काम करो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ, भूख लग रही होगी बहुत ज्यादा, अभी लाता हूँ। कृषि क्या कर रही हूँ? बहुत रात हो गई ना, आपको सोना होगा। तुम ये क्या कर रही हो? मुझे लगता है आप इस कमरे में मेरी कोई जगह नहीं, आप मायरा को यहाँ बुला सकते हैं। तुम सब जानती थी ना, तुम्हें तो सब पता था, जानती थी मायरा नहीं रह सकी कहीं और, वो उसने एक ना एक दिन तो आना ही था। भूल गई थी, अब याद रखूंगी। दिलकश, इस घर में और भी कमरे हैं, मायरा किसी भी और कमरे में रह सकती है, पर ये कमरा तुम्हारा था, तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। सामान निकालो, मायरा को कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
ये लीजिए भाई, गर्मा गर्म खाना है, ठंडा होने से पहले खा लेना चाहिए। लो खाना। समर, मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकती। एक बात याद रखना कि मैं उस हर रिश्ते से नफरत करती हूँ, उसका तुम पे जरा सा भी हक है, क्योंकि तुम पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। मैंने इतनी तकलीफें इसलिए नहीं झेली थी कि मैं ये सभी बर्दाश्त करूं। तुम्हें फैसला लेना होगा कि तुम्हें क्या करना है, कि मैं तुम्हारा बंटवारा नहीं कर सकती। मुझे नहीं खाना खाना। ये लीजिए चाय। समर अभी तक उठा नहीं? मुझे क्या खबर। और दिलकश? तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो? जी नहीं, हुआ छुट्टी नहीं थी। दरअसल माहिरा को कुछ बहुत जरूरी सामान खरीदना था बाहर से, तो उसे बाहर लेके जा रहा हूँ। ये लड़की अब यही रहेगी? रजमा, माहिरा बीवी है मेरी, क्या नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? इस घर की बहू सिर्फ दिलकश है, सुना तुमने? रजमा, माहिरा भी इस घर की बहू है, उसको इस तरह से बेइज्जत करना अस खुद अपनी बेइज्जती होगी। समर बेटा जाओ, तुम जहां जा रहे थे। जी। कसम खाती हूँ मैं भी समर, इस लड़की को इस घर से नहीं निकाला तो मेरा नाम भी नजमा बेगम नहीं है। अम्मी, अम्मी आप ऐसी कसमें क्यों खा रही हैं जो इस घर से इस घर की खुशियां छीन रही हैं? माहिरा समर की खुशी है और समर इस घर की। कम से कम अपने बेटे को तो खुद से दूर मत करें। क्या कह रही हूँ, तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, और जो लड़की तुम्हारा घर पर बात करने चली है तुम उसी की साइड ले रही हो। अम्मी ये सब कुछ मैं समर की खुशी के लिए कर रही हूँ, समर की खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं। ये जहर का घूंट भी मैंने इसीलिए भरा। बेहतर है आप भी समझ जाएं। क्या हुआ, इसका मुंह लटका के घूम रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मैं बस कर लो जो तुमने शॉपिंग करनी है। पहले कहाँ जाएं, कपड़े खरीदने हैं या क्या? समय मैं जानती हूँ मुझे क्या चाहिए, और इसे हासिल करना भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ।
दिलकश से मोहब्बत करते हो ना, हमदर्दी रखते हो ना उससे, तो हमदर्दी तक ही रखना, क्योंकि मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है। सारी बहुत जल्द अपने घर जाने वाली है वापस। सुनो, तुम्हारा दिलकश के साथ रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत है। वो तो दोस्त है ना तुम्हारी। दोस्त? दोस्त रहने कहाँ दिया तुमने उसे? जान से अजीज दोस्त को सौतन बना के रखती है। वो तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती, वो दुश्मन नहीं है हमारी, साथी है। वो दिलकश को मैं जानता हूँ, वो कभी हमारे बीच में नहीं आएगी। हमारे बीच आ चुकी है वो, जितनी भी अच्छी बन जाए ना, उसे तुम्हारी जिंदगी से निकलवा के ही रहूंगी मैं। मेरी मोहब्बत पे डाका डाला है ना, इतनी आसानी से तो माफ नहीं करने वाली मैं उसे। काहे का डाका? उसने किसी की मोहब्बत पे कोई डाका नहीं डाला। तुम तो छोड़ के चली गई थी ना मुझे, मेरे दुख में, मेरी तन्हाई में उसने मेरा साथ दिया था, उसी ने संभाला। और वो शादी से राजी भी नहीं थी, इनकारी थी। मैंने कहा शादी का, मुझे सब जाने की कोई दिलचस्पी नहीं समझ कि किसने क्या किया और क्या नहीं। जो हुआ सो हुआ, अब मैं चाहूंगी सिर्फ वही होगा।